सो हेलो गाइस, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो पहला टेस्ट हो रहा था वो ड्रॉ के साथ ख़त्म हो चुका है, जहां पर लगभग 1200 के आसपास रन बने और विकेट गिरे सिर्फ 14। तो ये शायद बैट्समैनों के लिए ही ये टेस्ट मैच था, क्या सोचकर उनकी मैनेजमेंट ने ये पिच बनाया है, मेरे समझ से तो परे है। तो मानता हूँ कि इतने दिन बाद उनका वहाँ पर मैच हो रहा था, पर टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो गए, पर ये बोरिंग टेस्ट मैच ही था, सिर्फ बैट्समैनों के लिए था। अगर बात करूँ तो इमाम की तरफ से दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी देखने को मिला, अजहर अली की तरफ से एक बड़ा 185 रन की पारी देखने को मिला पहला इनिंग्स में, और दूसरे इनिंग्स में शफीक की भी सेंचुरी देखने को मिली। तो पाकिस्तान की दोनों पारियों में सिर्फ 4 ही विकेट ले पाए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, 459 रन की बोर्ड पे लगाए उन्होंने भी और ऑल आउट हो गए। तो ये ऐसा टिपिकल टेस्ट मैच टाइप नहीं था, ये पूरा फ्लैट और डेड पिच था, जहाँ पर ड्रॉ के साथ ख़त्म हुआ है 5वें दिन मैच। तो आशा करेंगे कि अगले मैच में पिच थोड़ा ठीक हो, ताकि एक टेस्ट मैच जैसा देखने को मिले। तो यही था, अगर स्कोर कार्ड में बता दूँ तो पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 476 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 459 रन बनाए और ऑल आउट हो गए, उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने बैटिंग किया और 252 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गिरा, और यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने इतने बड़े बड़े नाम पर विकेट सिर्फ 4 ही लिए, और पाकिस्तान की तरफ से भी अगर बोले तो उनके स्पिनर नुमान अली, तो उन्होंने ही 6 विकेट लिए और बाकी सब गेंदबाज मिलकर 4 विकेट। तो सिर्फ स्पिनर ही विकेट ले पाए और पेसर को तो विकेट मिलने से न रहा। तो यही थी मैच की खबर, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।